So this is a thing to bear in mind, because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my, my watch. But I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. अदलिया पर कोई दबाव नहीं, काम में मदाखलत कबूल नहीं, किसी जज ने मदाखलत की शिकायत नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मदाखलत के वाकयात रिपोर्ट किए, वो वाकयात मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। सुप्रीम कोर्ट का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म, तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाएं। गवर्नर हाउस और वजीर-ए-आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है, 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही हैं, तजावुजात के खात्मे के अखराजात काबजीन से लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नस्ला टावर के 44 अलॉटीज को प्लॉट बेचकर अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार जारी किया जाए, प्लॉट की मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत, नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी दी जाए। साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शार फैसल पर कायम नस्ला टावर को 2 साल कबल गिराने का हुक्म दिया। अजीम सपूत हसनैन अली तिरमज़ी जो कस्टम में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में जाम शहादत नोश किया और मुल्क के दुश्मन स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी, और इस तरह वो यकीनन कौम के वो एक हीरो हैं। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है, काम है उनको। मैंने ये गुजारिश की है कि वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी भरपूर अपनी कार्रवाई करें। वज़ीर-ए-आज़म के डेरा इस्माइल खान में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन शाह के घर आमद, शहीद की बेवा और बच्चों से मुलाकात, चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंस्पेक्टर हसनैन शाह की शहादत पर फ़ख्र है, इंस्पेक्टर हसनैन ने स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए जान दी। शोहदा के रवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान, कहा स्मगलिंग के खात्मे के लिए हर कार्रवाई करेंगे, स्मगलिंग के खिलाफ मुआवनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, इंसुलिन इन्हेलर्स और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। कराची में इंसुलिन समेत 27 अहम अद्वियात दस्तयाब ही नहीं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 30 अहम अद्वियात की किल्लत, मरीजों को जान के लाले पड़ गए। बिजली और कितनी महंगी होगी, अवाम को और कितने झटके लगेंगे, सारफीन पर 27 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा बिजली 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लेस्को के ओवर बिलिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, FIA ने मजीद 10 करोड़ यूनिट की खुर्दबुर्द पकड़ ली। सरकारी इदारों की भी ओवर बिलिंग किए जाने का इंकशाफ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स सवालात के ठोस जवाब ना दे पाए, कंपनी के मजीद बड़े अफसरान की गिरफ्तारियां मुतवक्के। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गई। चीफ जस्टिस की गाड़ी बुध को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। दौरान सफर मामूल की ट्रैफिक रवां रहनी चाहिए, चीफ जस्टिस के अमले को हिदायत। या केयरटेकर निगरान हुकूमत ने या इस हुकूमत ने 2 अड्डे फिर दे दिए यहाँ पे। हम लोग ये पूछना चाहते हैं सर, ये क्लैरिफिकेशन डाल, ये हुकूमत है, ये कर क्या रहे हैं? फॉर्म 47 के बिसाकियों पे ये आए हुए हैं। पेरेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाए सर, सिर्फ हलफ उठाया, उसके बाद तकरीर की, वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब सर, ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? वजाहत दी जाए कि दो अड्डे किसने गिरवी रखे, मौजूदा या निगरान हुकूमत ने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ये फॉर्म 47 की बैसाखियों पर हुकूमत में आए हैं। रेंटल प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ हलफ उठाया, तकरीर की। वजीर आला साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में आ गई, ये क्या मजाक हो रहा है। मैं आप सबको, जितनी भी मेरी बेटियां और बहनें आज पास आउट हुई हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ऑनेस्टली सुपर ह्यूमंस हैं आप लोग, हम सब जो यहाँ बैठी हैं ख़वातीन, हम लोग अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी अदा करते हैं। अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से काम लेना है। दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, जालिम को सजा देते हुए भी तकलीफ होती है। मजलूम की दादरसी करें और जालिम को अंजाम तक पहुंचाएं। वजीर आला मरीम नवाज का चून पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा वजीर आला के मनसब पर आने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। आग के दरिया में से गुजर कर यहाँ पहुँची हूँ। मुल्क में जहाँ तरक्की नजर आती है वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पुलिस यूनिफॉर्म में खवातीन एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन कैडेट्स से इजहार यकजहती, पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और इनामात तकसीम किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोका। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अदलिया, फौज, आर्मी चीफ से मुतल्लिक बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ट्रायल के दौरान मुल्ज़िमान के बयानात मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। मुल्क में जो तमाशा हो रहा है ये चलने वाला नहीं। जिन्होंने फैसले किए और जिन्हें हुकूमत में बिठाया गया, दोनों ही फंस गए। अमीर जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम-उर-रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा फॉर्म 47 चीख चीख कर कह रहा है हमें आवाम की राय नहीं आमरीत चाहिए। पीडीएम में शामिल जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा के इलाके बैत लाहिया में इसराइली फौज के दोबारा हमले, शहरियों को नकल मकाने की हिदायत। अब तक इसराइली हमलों में 34,262 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीका के कई तालीमी इदारों में फलस्तीन के हक में मुजाहरे, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एहतजाज, मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक तालिब इल्म गिरफ्तार। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, 34 तलबा गिरफ्तार। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू एहतजाज से खौफजदा, कहते हैं अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है खौफनाक है। ईरान से बारिश का नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 अप्रैल तक बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान, नदी नालों में तोगयानी का खदशा, माहीगीरों को समुंदर में जाने से रोक दिया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। शाहीन और कीवीज एक घंटे बाद आमने सामने होंगे। चौथा T20 मैच 7 बजे शुरू होगा। 140 यतीम बच्चे मैच के VVIP होंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल, सीरीज 1-1 से बराबर है।